बहुत स्वागत है आपका खेल कड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का 18वां मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच बेंगलोर में खेला जाएगा। पाकिस्तान 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे और ऑस्ट्रेलिया 2 अंकों के साथ 7वें पायदान पर है। ऑस्ट्रेलियाई टीम एक और आत्मविश्वास से भरी हुई है, वहीं पाकिस्तान टीम भारत से हार के बाद परेशानियों से जूझ रही है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी बीमार हो गए हैं और कुछ खिलाड़ी लय में नहीं हैं। अगर बात की जाए तो जो पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं वो पूरी तरीके से लय में नहीं है। पाकिस्तान के लिए सलामी बल्लेबाज इमामुल हक ने 3 मैचों में सिर्फ 63 रन बनाए हैं। उन्हें अब्दुल्ला सफीक का बखूबी साथ निभाना होगा, जिन्होंने खराब फॉर्म से जूझ रहे फखर जमा की जगह ली है। कप्तान बाबर आजम भी लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की धुरी बाबर ने अर्धशतक बनाया, लेकिन नीदरलैंड्स और श्रीलंका के खिलाफ नाकाम रहे। इन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिम्मेदारी से खेलना होगा, क्योंकि उनके पास ऐसा गेंदबाजी आक्रमण है जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को बखिया उधेड़ सकता है। उन्हें मध्यम क्रम में मोहम्मद रिजवान पर अत्यधिक निर्भरता से भी बचना होगा। नीदरलैंड्स के खिलाफ अर्धशतक बनाने वाले सऊदी शकील और आक्रामक इफ्तिकार अहमद को भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी जो बल्लेबाजी क्रम है, हम चाहे शफीक की बात कर लें, चाहे रिजवान की बात कर लें, चाहे बाबर आजम की बात कर लें, इनके एक भी बल्लेबाज पूरी तरीके से अभी तक फॉर्म में नहीं आए हैं, जबकि हर टीम 3-3 मुकाबला खेल ली है। वहीं अगर बात की जाए, भारत और न्यूजीलैंड की टीम ने 4-4 मुकाबला खेले हैं। तो ऐसे में हो सकता है आज शादाब या नवाज की जगह पाकिस्तान की टीम में उस्मान मीर को शामिल किया जाए, लेकिन जो खबर ये भी आ रही है कि उस्मान मीर भी इस समय बुखार से ग्रसित हैं। वहीं अगर बात की जाए नसीम शाह की गैर मौजूदगी में, पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी शाहीन शाह अफरीदी पर निर्भर है, लेकिन वह अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं है। उन्हें अपनी रफ्तार और स्विंग हासिल करनी होगी। लेग स्पिनर शादाब खान बल्ले और गेंद से दोनों में नाकाम रहे, जिनकी वजह उस्मान मीर को उतारा जा सकता है। जिस तरीके से अगर बात होती है मोहम्मद नवाज की, तो मोहम्मद नवाज अपने आप में एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और वो बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन जब से वो एशिया कप से आप देखेंगे तब से लगातार उनके फॉर्म में गिरावट आ रही है, चाहे बल्लेबाजी की बात हो, चाहे गेंदबाजी की बात हो। या उस्मान मीर को अगर उतारेंगे या फिर बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज भी कुछ प्रभावी नहीं दिख रहे हैं, ना ही गेंद और ना ही बल्ले से उन्होंने कुछ रन बनाए हैं। ऐसे में मीर को नवाज की जगह भी खिलाया जा सकता है। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलियाई टीम की, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम में कमिंस भी लय में नहीं दिख रहे हैं। जी हाँ, दूसरी ओर भारत और दक्षिण अफ्रीका से मिली हार ने ऑस्ट्रेलिया को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जिसके बाद वो अभ्यस्त नहीं है कि एक और हार यानी कि सेमीफाइनल में उनके पहुंचने की मुश्किलें बहुत ही बुरी हो सकती हैं। जोश इंग्लिश को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया का कोई बल्लेबाज अभी तक अर्धशतक नहीं बना सका है। मार्नस लबसेन अकेले बल्लेबाज हैं जो कुल 100 रन से अधिक बना सके हैं। मिचेल स्टार्क 55 ने ग्लेन मैक्सवेल 49 से अधिक रन बनाए हैं। 3 मैचों में स्टीवन स्मिथ 65 रन, डेविड वार्न 65 रन और मिचेल मार्श 59 रन ही बना सके हैं। जिस तरीके से बात होती है जब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की, यानी कि एक सबके मन में जिज्ञासा उठती है, जिसके पास डेविड वार्नर हो, जिसके पास मिचेल मार्श हो, जिसके पास स्टीवन स्मिथ जैसा वर्ल्ड क्लास का बल्लेबाज हो, जिसके पास मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस, एडम जाम्पा जैसे प्रभावशाली गेंदबाज हो, वो टीम अपने आप को इस विश्व कप में कितने पीछे आंक रही है। यानी कि 5 बार की विश्व विजेता यह टीम जो हालत इनकी हुई है, कहीं ना कहीं इनके प्लेयर्स ही इसमें जिम्मेदार हैं। अगर बात की जाए एडम जाम्पा और जोश हेजलवुड प्रभावी रहे हैं, लेकिन कप्तान पैट कमिंस कमजोर कड़ी साबित हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलियाई टीम को शुरुआती 2 मुकाबलों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन टीम ने पिछले मुकाबले में श्रीलंका को 5 विकेट से शिकस्त देकर पॉइंट टेबल में खाता खोल लिया है। श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करते हुए 43.3 ओवरों में 209 रनों पर ऑल आउट हो गई। एडम जाम्पा ने सर्वाधिक 4 विकेट अपने नाम किए, वहीं पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के नाम 2-2 सफलता हाथ लगी। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल मार्श के 55 रन, जोश इंग्लिश 58 रन, मार्नस लबसेन 40 और मैक्सवेल के ताबड़तोड़ नाबाद 31 रन की पारी के बल पर जीत दर्ज की। वहीं पाकिस्तान को पिछले मुकाबले में भारत के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तानी बल्लेबाजी पहले बल्लेबाजी करते हुए 42.5 ओवर में 191 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। मोहम्मद रिजवान 49 रन और बाबर आजम 50 रन, यानी कि टीम में सर्वाधिक पारी खेली थी। टीम इंडिया ने 30.3 ओवर में ही लक्ष्य का पीछा कर लिया था। एम चिम्मा
आज का जो मैच हो रहा है ये हो रहा है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम यानी कि बेंगलुरु की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है। पिच फ्लैट रहेगी और अच्छा बाउंस प्रदान करेगी जिससे बल्लेबाजों को मदद मिलेगी। खेल के आगे बढ़ने के साथ स्पिनर बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। इस पिच पर पहली पारी का औसत स्कोर 310 रन है। इस मैदान में रन चेज करने वाली टीम ज्यादा सफल हुई है। वहीं अगर टॉस की बात की जाए तो टॉस जीतकर जो कप्तान होगा वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा। अगर बात की जाए हेड टू हेड मैच की तो 107 मैच हुए हैं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में, जिनमें 69 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते, 34 मैच पाकिस्तान ने, वहीं 3 मैचों का कोई रिजल्ट नहीं निकल सका। लेकिन जिस तरीके से जो टीमें हैं, चाहे बात करें जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के पास डेविड वार्नर हैं, स्टीवन स्मिथ हैं, मांडस लमसेन हैं, जॉस इंग्लिस हैं, ग्लेन मैक्सवेल, और वैसे भी आप सबको पता होगा कि मैक्सवेल बेंगलुरु से खेलते हैं आईपीएल में, तो बेंगलुरु के पिच पर मैक्सवेल को खासा अंदाजा होगा। डेविड वार्नर भी आईपीएल खेलते हैं, स्टीवन स्मिथ भी आईपीएल खेलते हैं, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस भी खेलते हैं, तो उनको इंडिया की पिचों का खासा अंदाजा होगा। तो आज इस पिच पर डेविड वार्नर की बात कर लें चाहे हम बात कर लें मैक्सवेल की, दोनों धुआंधार पारी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जो एम चिन्ना स्वामी की पिच है वो काफ़ी बाउंड्री छोटी है। वहीं जिस तरीके से पाकिस्तान की बात की जाए तो फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आज के इस मैच में मोहम्मद रिजवान पूरी कोशिश करेंगे अपने फॉर्म को वापस लाने के लिए। उनके पास जिस तरीके से इफ्तिकार अहमद जैसा एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, जो इस वर्ल्ड कप में चाहे एशिया कप में देखेंगे, मोहम्मद नवाज और सदाम खान से अच्छी बॉलिंग की है, अच्छी बैटिंग की है, तो सबकी निगाहें इफ्तिकार अहमद पर भी टिकी होंगी आज के इस मैच में। लेकिन क्या कुछ होगा, क्योंकि मैच अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, ऐसे में जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगी, क्योंकि इस पिच पर चेंज करना काफ़ी आसान होता है। काफ़ी जिम्मेदारी होगी रिजवान के ऊपर भी, लेकिन रिजवान इस वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और सबको ये उम्मीद होगी कि फखर जमान जो टीम से बाहर हैं, क्या पता उनको इस टीम में मौका मिले। इमामुल हक, बाबर आजम भी आज अपने पारी को संवारते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर बात की जाए तो वसीम जूनियर, हारिस राउफ और शाहीन अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद नवाज, यानी कि शाहीन शाह अफरीदी भी आज इस मैच में अपने आप को फॉर्म में वापस लाना चाहेंगे। हारिस राउफ के पास बढ़िया पेस है, तो वो पेस से भी काफ़ी परेशान कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को। फिलहाल वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।